भागलपुर में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई जब वह एक क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने का काम कर रहा था। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के मसाकचक स्थित विजेंद्र कुमार के घर में हुई, जहां मजदूर अमरीश यादव मकान को तोड़ने का काम कर रहा था, तभी अचानक मलबा उस पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आसपास के मजदूरों और अन्य लोगों ने मिलकर मलबे को हटाकर सबको बाहर निकाला। मृतक के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला नारायणपुर निवासी अमरीश यादव के रूप में हुई है, जिनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। घटना के बाद जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के बेटे प्रिंस ने बताया कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना से परिवार के सदस्य गहरे दुख में डूबे हुए हैं और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इस दर्दनाक हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। कहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ आए तो क्या देखे आपने? पापा चल दीवार गिर गया। मजदूरी करते थे? कौन कौन है घर में? तुम एक ही लड़का हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर हुआ? कोला में, जगदीशपुर में। भागलपुर में गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारा में 3 दिवसीय उत्सव का समापन भजन कीर्तन और लंगर के आयोजन के साथ हुआ। गुरुद्वारा परिसर जो बोले सो निहाल के उद्घोष से गूंज रहा था और सुबह से ही सिख समुदाय के लोग भजन कीर्तन में लीन थे। भजन कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद का लाभ उठाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिवार के मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि इस बार गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पटना से आए राही चड्ढा और भाई सुरेंद्र सिंह ने गुरु की वाणी पर प्रकाश डाला, जो कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। दरअसल यह आयोजन धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश देने के साथ साथ गुरुद्वारे के अनुयायियों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर बना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व त्रिदिवसीय कार्यक्रम आज अपने समापन की ओर है। आज सुबह अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं गुरुद्वारा परिसर में ही गुरु की वाणी, गुरु की जिंदगी पर प्रकाश डाला जा रहा है। बाहर से आए हुए रागी जत्था भाई कुवेंद्र सिंह पटना वाले गुरु की जिंदगी पर प्रकाश डाल रहे हैं। भाई संजय सिंह भागलपुर वाले गुरु की जिंदगी पर प्रकाश डाल रहे हैं। अभी भंडारा कुछ ही क्षणों में तैयार हो गया है, कुछ क्षण में स्टार्ट होने वाला है और सैकड़ों की संख्या में अब ऊपर भीड़ देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में आज प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर सहित सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में वैसे ही शिव भक्तों की भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ी रही। दरअसल यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें महिलाएं एक माह तक बिना लहसुन प्याज खाए सूर्योदय से पहले गंगा स्नान कर पूजा पाठ करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी लगाने के बाद महिलाएं फल और प्रसाद चढ़ाकर दीप जलाती है और उत्तर वाहिनी गंगा में दीप प्रज्वलित करती है। मान्यता है कि इससे कार्तिक भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं इस अवसर पर विशेष रूप से कुमारी कन्याओं द्वारा पूजा की जाती है, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होने की मान्यता है। वहीं थानाध्यक्ष प्रिय रंजन द्वारा गंगा घाट, चौक बाजार, कृष्णगढ़ और अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। भागलपुर बाईपास थाना अंतर्गत बैजानी स्थित होली फैमिली स्कूल में शुक्रवार को स्कूल की 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य स्कूलों और कॉलेजों के प्रतिष्ठित अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनमें उन्हें फूलों के बुके देकर सराहा गया। समारोह का आकर्षण विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रही, जिसमें बच्चों द्वारा किए गए नृत्य, गीत और खेलों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई और उनके मेहनत को दर्शाने के लिए एक विशेष नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि आज के समय में बच्चों की शिक्षा और उनके विकास के लिए उचित मार्गदर्शन और देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। नाटक ने माता पिता को यह भी प्रेरित किया कि वे बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले और उनके समग्र विकास में सहयोग करे। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने स्कूल के प्रयासों की सराहना की और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दरअसल इस कार्यक्रम ने शिक्षा और बच्चों की परवरिश के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे सभी उपस्थित दर्शकों ने प्रेरणा ली। इस अवसर को सफल और यादगार बनाने में होली फैमिली स्कूल के सिस्टर अंजलि चिन और हेड मिस्ट्रेस सिस्टर विनीता वास्टिन CHF का विशेष योगदान और मार्गदर्शन रहा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट द स्टूडेंट्स हियर होली फैमिली दे प्रूव्ड देमसेल्फ दे आर समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन 10 years विद इन 10 years ऑफ टाइम दे हैव कम अप सो वेल दे डिड अ वंडरफुल प्रोग्राम though it is 10 years looks like it's more than that they have done it hamara school ka holi family samaj ka president upasthit hai mere khayal se is gramin kshetra ke jagdishpur balwachak aas pas ke ilake ke takriban 900-1000 bacche yahan aate hain aur main samajhti hu ki is kshetra ke mein aise school ka hona bahut zaruri tha main is kshetra ki hi rehne wali hu bachpan se maine बहुत संघर्ष देखा है शिक्षा के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में ऐसे स्कूल का होना, सिस्टर का सहयोग होना, मिशनरीज का यहाँ काम करना, इंग्लिश मीडियम स्कूल का होना, ये बहुत ही जरूरी था, बहुत जरूरी। और जिस तरह से यहाँ सिस्टर और हम सभी शिक्षक बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद अलग अलग जितने भी कला संस्कृति से हम लोग जितना जोड़ सके हम लोग जोड़ते हैं, जितना उनमें प्रतिभा उत्पन्न कर सके वो सारे काम करते हैं। आप अभी देखे ही होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम देख ही रहे होंगे, हमारे बच्चे कितने प्रतिभावान हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में 1 दिसंबर से सैंडिस कंपाउंड मैदान में BCL सीजन 3 क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल यह मैच IPL की तर्ज पर आयोजित होगा, जिसमें कुल 6 टीमें भाग लेंगी। मैच की तैयारियों के संबंध में आयोजन समिति के विजय कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को सभी खिलाड़ियों को मैच ड्रेस वितरित की जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर को सभी खिलाड़ी और टीम के मालिकों द्वारा रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जो भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में होगा। 30 नवंबर को एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, समाज सेवियों और अन्य योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल यह आयोजन स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अवसर होगा और इसके जरिए भागलपुर में क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।